बिहार के गया जिला अंतर्गत अतरी प्रखंड के डिहुरी गांव में समुदाय विशेष के नाम पर सियासत करना महंगा पड़ गया। दरअसल पासमांदा मुसलमान की सभा में राम के नाम पर सियासत महंगी पड़ गई। जुबान पर हिंदुओं के आराध्य राम का नाम आते ही मंच पूरी तरह धराशाही हो गया, जिसके बाद मंच पर भाषण दे रहे और बैठे सभी लोग जमीन पर गिर गए। हालांकि मंच पर गिनती के 7 से 8 लोग ही बैठे हुए थे, जिसमें सभी लोग जमीन पर गिर पड़े। मंच गिरने के दौरान किसी को संभलने का भी मौका नहीं मिला। पल भर में ही पूरा मंच जमीन पर धराशाही हो गया। हालांकि मंच गिरने के बाद भी कार्यक्रम जारी रहा, लेकिन बगैर मंच के। दरअसल अतरी प्रखंड के डिहुरी पंचायत में फ्रीडम फाइटर और पूर्व मंत्री अब्दुल कयूम अंसारी की 51वीं पुण्यतिथि पासमांदा समाज की ओर से मनाई जा रही थी। इस मौके पर पूर्व सांसद अली अनवर अंसारी पहुंचे हुए थे, साथ ही वो इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता भी थे। सभा दोपहर बाद शुरू हो गई थी, मंच भी सजा हुआ था। पूर्व सांसद अली अनवर अंसारी के साथ अन्य लोग भी मंच पर लगी कुर्सियों पर बैठे हुए थे। मंच से भाषणबाजी शुरू हुई। इस दौरान कोई अब्दुल कयूम अंसारी के किए गए कार्यों के कसीदे पढ़ रहे थे, तो वहीं एक वक्ता विशेष समुदाय के आराध्य का नाम लेकर सियासी भाषण देने लगे। इस दौरान जैसे ही उस वक्ता की जुबान पर आराध्य विशेष और उसके पवित्र स्थान का नाम आया, तभी मंच अचानक से ताश की पत्तों की तरह भड़बड़ाकर धराशाही हो गया। मंच के गिरते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई। मंच पर अब्दुल कयूम अंसारी की तस्वीर भी अदब से रखी गई थी, वह भी मंच के गिरने के साथ कुछ क्षण के लिए खो गई, क्योंकि मंच गिरने के कारण तस्वीर चादर के साथ लिपट गई थी। हालांकि कुछ देर बाद तस्वीर मिल गई। बताया जा रहा है कि इस हादसे में मुख्य वक्ता पूर्व सांसद अली अनवर अंसारी के बाएं पैर में चोट लगी है। उन्होंने बताया कि दाहिने पैर के घुटने में पहले से बेल्ट बांध कर रखा था, अब बाएं पैर में भी चोट लग गई। बता दें कि मंच के धराशाही होने के कुछ ही देर बाद मौके पर अतरी विधायक अजय यादव भी पहुंचे। उसके बाद वहां बगैर मंच के ही सभा लगाई गई और फ्रीडम फाइटर अब्दुल कयूम अंसारी को लोगों ने याद किया।